त्यानंतर बघूया पुढची बातमी. अर्थमंत्र्यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये डिजिटल शिक्षणासंदर्भात महत्त्वाच्या घोषणा केल्यात. निर्मला सीतारामन यांनी वन नेशन वन डिजिटल प्लॅटफॉर्मची घोषणा केली आहे. प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वतंत्र डिजिटल वाहिनीची योजना सुरू करण्यात येणार आहे. तर 100 विद्यापीठांना ऑनलाईन कोर्सेसची मान्यता देण्यात येणार आहे. ऑनलाईन शिक्षण सुविधेसाठी आणखी 12 ऑनलाईन चॅनेल सुरू करण्यात येणार आहे. दिव्यांगांसाठी ऑनलाईन शिक्षणाची सोय करण्यात येणार आहे. टेक्नोलॉजी ड्रिवन शिक्षा कैसे हो, इसके लिए भी कोविड-19 के समय कुछ कदम उठाए जा रहे हैं. पीएम ई विद्या प्रोग्राम जो मल्टी मोड एक्सेस जिसका होगा डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, इसको भी जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें दीक्षा ये हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ई कंटेंट और क्यूआर कोडेड ये जो टेक्स्ट बुक्स है सभी ग्रेड्स के लिए उपलब्ध कराएगा. वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका नाम है. और यही नहीं, एक चिन्हित चैनल भी होगा प्रति क्लास के लिए, यानी कि प्रति क्लास के लिए चिन्हित चैनल होगा. सो वन क्लास वन चैनल ये भी हम पहली से 12वीं कक्षा के लिए करेंगे. सो ये दो नए प्रोग्राम, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म ये ई एजुकेशन के लिए, ई कंटेंट के लिए, और टीवी चैनल्स वन क्लास वन चैनल ये लॉन्च किए जाएंगे. रेडियो का, कम्युनिटी रेडियो का और पॉडकास्ट का भी सदुपयोग किया जाएगा. और यही नहीं, जो हमारे दिव्यांग हैं, नेत्रहीन हैं या सुनने की क्षमता नहीं है, उनके लिए भी विशेष ई कंटेंट तैयार किया जाएगा ताकि उनको भी इस समय कोई कमी ना आए. जो 100 विश्वविद्यालय टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी अनुमति दी गई है ताकि वो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली अपने कोर्सेज की शुरुआत कर सकें. आज के समय आपने देखा होगा अधिकतर बच्चों का समय टीवी के सामने या अपने स्मार्टफोन्स के सामने निकल रहा है, चाहे वो पढ़ने के लिए है या बाकी सबके लिए. गतिविधियां कम हुई है, घर से बाहर जाना कम हुआ है. तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, परिवारों के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम को भी चलाया जाएगा और उनकी वेलबींग का ध्यान रखा जाएगा. इसको जल्द शुरुआत करने जा रहे हैं. यानंतर महत्त्वाची दुसरी एक बातमी बघणार आहोत, कारण मनरेगासाठी अतिरिक्त 40,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मनरेगासाठी 60,000 कोटी रुपयांचं बजेट आता जारी करण्यात आलेलं आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेली आहे. बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन फंड 2,20,00,000 बेनिफिशरीज को 3,950 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया. अब प्रवासी मजदूर अपने घरों में वापस कैसे जाएं? रोज की 300 गाड़ियां हमने रेलगाड़ी उपलब्ध करवाई हैं. जिस राज्य ने जितनी मांग की उसको उतनी उपलब्ध करवाई जा रही है. और इसमें जो मजदूर वापस गए उसमें 85% पैसा केंद्र सरकार ने खर्च किया ताकि मजदूरों पर कोई बोझ ना आए. रास्ते में खाना दिया मोदी जी ने, जहां एक और राशन देने का काम किया 80 करोड़ लोगों को, वहीं पर रेल की सुविधा भी 85 करोड़ पैसा केंद्र की सरकार ने किया. अब जो 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी 35 करोड़ रुपए की योजना अलग से लाए कि उनके लिए भी राशन की कमी कहीं ना हो. तो गैस सिलेंडर भी दिया है. ये अपने आप में दिखाता है हमने कहीं कमी नहीं रखी. और ऐसे 12,00,000 लोगों ने ईपीएफओ में से अपने 3,360 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में निकालने का काम किया. यानंतर पुढची एक महत्त्वाची बातमी म्हणजेच राहुल गांधींवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी टीकास्त्र सोडलेलं आहे. मजुरांना भेटणं म्हणजे राजकारणाचा भाग आहे. राहुल गांधींनी काल मजुरांची भेट घेतली होती. राहुल गांधींनी राजकारण करू नये असा सल्ला सुद्धा यावेळेला निर्मला सीतारामन यांनी दिलेला आहे. जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते. दुख के साथ कह रही हूं उस बात को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन
मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है, कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का वो समय है क्या?